दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों, आज का क्लास हमारा डी एड एस सी आई डी डी फर्स्ट ईयर से रहेगा। डी एड एस ई आई डी डी फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स है हमारा कोर्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। कोर्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज में हमारी यूनिट है आज की 3.2, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि क्षतिग्रस्तता पर बात करेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट जो इसमें आपका 3.2 में विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन और ब्लाइंडनेस पूछा है। तो आज का टॉपिक हमारा केवल विजुअल इम्पेयरमेंट रहेगा, यानी कि दृष्टि क्षतिग्रस्तता रहेगा। आज हम केवल विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे या दृष्टि बाधिता के बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है? देखिए दोस्तों, दृष्टि कहीं ना कहीं दो तीन शब्द आते हैं हमारे सामने। एक आता है दृष्टि दोष, समझ रहे हैं, और दृष्टि विकलांगता, दृष्टि अक्षमता और दृष्टि क्षतिग्रस्तता, ठीक है? जहां तक की दृष्टि क्षतिग्रस्तता हो गया, इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट में हम अक्षमता भी बोल सकते हैं, सेम कंडीशन होती है, और बाधिता भी बोल सकते हैं, बाधिता, ठीक है? दृष्टि अक्षमता, दृष्टि क्षतिग्रस्तता और दृष्टि बाधिता। अब बात आती है दृष्टि दोष की। देखिए दोस्तों, दृष्टि दोष क्या है? हम किसी एक क्षेत्र को कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दृष्टि से संबंधित कोई एक दोष होना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोलते हैं दृष्टि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है? तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर केवल विजुअल इम्पैक्ट की बात होगी। तो दोस्तों, विजुअल इम्पेयरमेंट में हमें कहीं ना कहीं हिंदी शब्द में जो कन्फ्यूजन होता है, जिसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि दृष्टि दोष या दृष्टि अक्षमता के बारे में, तो एक चीज ध्यान रखना, दृष्टि दोष अलग है और दृष्टि अक्षमता, क्षतिग्रस्तता, बाधिता अलग है। तो आज केवल हम दृष्टि क्षतिग्रस्तता, बाधिता और अक्षमता पे बात करने वाले हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है? विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है दोस्तों, मीनिंग देखिए इसका, यानी कि अर्थ। दृष्टि क्षतिग्रस्तता या बाधिता, जिसमें दृष्टि का अर्थ देखना, और बाधिता या क्षतिग्रस्त का अर्थ है रुकावट, बाधा या असमर्थता। यानी कि कह रहे हैं कि दृष्टि क्षतिग्रस्तता जो है या दृष्टि बाधिता जो है, कह रहे हैं जिसमें दृष्टि का अर्थ तो हो गया आपका देखना, यानी कि जिससे हम आंखों से देखते हैं, हमारी दृष्टि तो जो हम देख रहे हैं, आंखें हमें क्या दिखाती है, दृष्टि प्रदान करती है, देखते हैं जिसके द्वारा। और बाधिता का वो कह रहे हैं, दृष्टि बाधिता या क्षतिग्रस्तता का अर्थ जो है रुकावट, यानी कि दृष्टि में रुकावट, दृष्टि में किसी प्रकार की बाधा या असमर्थ होना, अक्षमता आना, ठीक है? तो कह रहे हैं दृष्टि क्षतिग्रस्तता या दृष्टि बाधिता का संपूर्ण अर्थ जो है दृष्टि बाधिता या दृष्टि अक्षमता है, ठीक है ना? यह एक ऐसी स्थिति है, स्थिति का मतलब आ गया कोई बीमारी नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, ठीक है ना? एक कंडीशन है, एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से देखने में असक्षम हो जाता है, यानी कि व्यक्ति विजुअल इम्पेयरमेंट पे क्या है, पूर्ण रूप से देखने में असक्षम हो जाता है, एवं दृष्टि का पूर्ण अभाव हो। यानी कि कहा जा रहा है कि दृष्टि क्षतिग्रस्तता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टि देखने में असक्षम हो जाता है या देखने में अभाव, यानी कि दृष्टि का पूर्ण रूप से देखने में अभाव का मतलब होता है कमी होना, ठीक है? दृष्टि बाधिता उस व्यक्ति को कहा जा सकता है, यानी कि हम किस व्यक्ति को दृष्टि बाधिता कह सकते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड कह सकते हैं, उस व्यक्ति को कहेंगे जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का मतलब होता है एक्यूटी, ठीक है? जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता यदि समुचित सुधारों के बाद 20/200 रह जाए, ठीक है, या 20/200 फीट या 6/60 मीटर रह जाती है, उस व्यक्ति को हम दृष्टि बाधित व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है? या उस व्यक्ति को हम दृष्टि बाधित या दृष्टि क्षतिग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। अब देखिए इसको साधारणतः कैसे समझेंगे हम, 20/200 का मतलब क्या है, या 6/60 मीटर का मतलब क्या है? देखिए
यानी कि उस साधारण सरल शब्दों में इस चीज को समझेंगे जो हमने 20x200 लिखा है और हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सभी उपाय करने के बाद, यानी कि चश्मा लगाने के बाद, उसका इलाज कराने के बाद, यानी कि जब सभी तत्व पूरे हो जाए, उन तत्वों के बाद, सभी तकनीकों के बाद, सुविधाओं के बाद, प्रबंधन के बाद, उपायों के बाद, किसी व्यक्ति को 20 फीट की दूरी पर वस्तु नहीं देख सकता, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति 20 सभी उपाय करने के बाद कोई व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर वस्तु को नहीं देख सकता, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी से देख पाता है, तब उस व्यक्ति को दृष्टिबाधित व्यक्ति कहा जाएगा। अगर वह किसी वस्तु को 200 फीट की दूरी पर रखा हुआ उस वस्तु को नहीं देख पा रहा है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 20 फीट की दूरी से देख सकता है, तो जिस व्यक्ति को 200 फीट की दूरी से दिखाई 20 फीट की दूरी से दिखाई नहीं दे रहा है, 200 फीट दूर मतलब कि कह रहा उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देख पाता है, ठीक है, जबकि उस व्यक्ति को दृष्टिबाधित व्यक्ति कहा जाएगा। किस व्यक्ति को 20 फीट की दूरी पर वस्तु अगर दिखाई नहीं देती है, उस व्यक्ति को दृष्टिबाधित व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। दृष्टिबाधिता यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति वस्तु को किस किस दूरी से देख सकता है, यानी कि दृष्टिबाधिता यह प्रदर्शित करती है, हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दृष्टिबाधिता या क्षतिग्रस्तता का, कि वस्तु को कोई भी व्यक्ति कितनी दूरी पर देख पाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको डेफिनेशन दिया है नाइन्स, हमारा जो एसोसिएशन है 1934 के अनुसार, कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह है, यानी कि उस व्यक्ति को, उस बालक को हम पूर्ण दृष्टि दोष का कह सकते हैं, जिसकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आंख से 20x200 तथा इससे कम हो, 20x200 या इससे कम हो, अथवा जिनकी दृष्टि कम क्षेत्र सीमित हो, यानी कि जिनकी दृष्टि का क्षेत्र जो क्या हो, कम क्षेत्र और वो भी क्या हो, सीमित हो, रिजिट हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उस बच्चे को हम या व्यक्ति को दृष्टिबाधिता या क्षतिग्रस्तता कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखिए दोस्तों, प्रकार कौन कौन से हैं, पार्शली साइटेड और ब्लाइंड, यानी कि जो हमारा पार्शली जो है साइटेड है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, और ब्लाइंड यानी कि गंभीर रूप से दृष्टि बाधित वाला। अब एक चीज देखिए, अब इन दोनों में अंतर क्या है, आंशिक का मतलब होता है दोस्तों कम, समझ रहे हैं, पूरा नहीं होना, पूरे से कम होना। आंशिक रूप से, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा मतलब मैं पूरा 7 नंबर का चश्मा यूज करती हूँ, यानी कि मैं अगर कह सकती हूँ अपने आप को कि मैं 7 नंबर का चश्मा यूज कर रही हूँ, धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो मेरे को आंशिक रूप से दृष्टि दोष है, या मैं आंशिक रूप से दृष्टि बाधित हूं, ठीक है ना। तो आंशिक और गंभीर रूप का मतलब होगा पूर्णता, यानी कि जिसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता हो, बिल्कुल डेफ ब्लाइंड हो, ठीक है ना। तो आंशिक रूप से जो चश्मे के द्वारा या अन्य उपाय के द्वारा देख सकता है, उस व्यक्ति को हम आंशिक दृष्टि बाधित, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक बोलेंगे। गंभीर रूप से हम उस बालक को बोलेंगे, गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक उस बालक को बोलेंगे जो पूर्णता ही दृष्टिबाधित है, ठीक है, जो केवल ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या है, कॉजेस देखिए, 3 भागों में बांटा गया है, जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद, प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद, यानी कि प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल। आप देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम पेरीनेटल, माँ की आयु एवं माँ का कुपोषित होने, यानी कि गर्भावस्था से पहले या जन्म के पहले गर्भधारण के समय माँ की आयु सही होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, और कुपोषित यानी कि उसका क्या है, कुपोषित होना, यानी कि उसके खान पान में कमी होना, ठीक है ना, न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं वंशानुगत स्थिति एवं माता पिता को संक्रमण होना, यानी कि दूसरा कारण दृष्टिबाधिता का ये भी है, अगर वंशानुगत कोई हेरिडिटरी उनके अंदर है, कोई जेनेटिक उनकी समस्या चली आ रही है, तो एक ये कारण हो सकता है, हेरिडिटरी कंडीशन हो सकती है,
ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं माता पिता को किसी प्रकार का कोई संक्रमण होना जो बच्चे तक पहुंचना और जिसका प्रभाव बच्चे के दृष्टि पर पड़ना। फिर कह रहे हैं नशीले पदार्थों एवं अनावश्यक दवाओं का सेवन, यहाँ पर कह रहे हैं माता के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना और अनावश्यक या ज्यादातर दवाइयों का सेवन करना भी बच्चे की दृष्टि पर प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं माँ की असामान्य मानसिक स्थिति, यानी कि असामान्य मानसिक स्थिति, माँ का ज्यादा डिप्रेशन में रहना, परेशान रहना, सोचते रहना, चिंता करना, तो ये भी डिप्रेशन की एक जो कंडीशन है जो बच्चे को प्रभावित कर सकती है। जन्म के समय देखिए दोस्तों, शिशु को मोतियाबिंद या रोग, शारीरिक रोग, यानी कि किसी भी प्रकार से जो नवजात शिशु है उस शिशु को क्या है, जन्म से मोतियाबिंद होना या कोई ऐसा रोग होना जिसके कारण बच्चे के रोशनी पर प्रभाव पड़ रहा है, और कोई शारीरिक रोग का भी कारण हो सकता है। फिर कह रहे हैं ऑक्सीजन का ऊंचा स्तर, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ जाना या ऑक्सीजन का कम भी हो जाना होता है। जन्म से संक्रमण होना, खसरा, मलेरिया, खसरा हो गया हमारा, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीजें किसी भी प्रकार से जन्म से कोई संक्रमण है तो इसका प्रभाव बच्चे की दृष्टि पर पड़ सकता है। दिमागी बुखार, दस्त, मितली आना जन्म के समय, ये सारे कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जन्म के बाद दुर्घटना, यानी कि किसी भी कारणवश दुर्घटना या एक्सीडेंट जिसमें व्यक्ति की रोशनी चली जाए, ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई उसकी, ठीक है, मस्तिष्क की चोट, ठीक है, या प्रहार होना, आघात होना, ठीक है। फिर क्या है, रसायन व दवाइयों का सेवन का उपयोग, यानी कि कोई ऐसे रसायन जो दृष्टि को प्रभावित करते हो, ठीक है ना, उनका धुआं आ जाना या उनका सेवन करना, या हम कह सकते हैं किसी कारण आंखों में पड़ जाना। और कह रहे हैं दवाइयों का उपयोग, रासायनिक दवाई को, यानी किसी ऐसी दवाई का उपयोग करना, जैसे कि लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयां चल रही है जिनका सेवन करने से उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आंखों में संक्रमण होना, किसी प्रकार से आंखों का लाल रहना, सूज जाना, स्वेलिंग आ जाना, उनमें खुजली पड़ना, तो किसी प्रकार का संक्रमण भी व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित करता है। रक्तचाप बढ़ना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, नशीले पदार्थों का सेवन करना। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, देखिए प्रबंधन एवं उपाय क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर दृष्टि क्षतिग्रस्तता के, अगर प्रबंधन की बात करें या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की, प्रबंधन की या उसके प्रिवेंशन की, प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है, प्रबंधन और उपाय। अब यहाँ पर हमने प्रबंधन और उपाय किस किस के करने, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित के और गंभीर रूप से, इन चीजों को ध्यान में रखकर देखिए। चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को दृष्टि की कोई भी समस्या है, कोई भी दोष पाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई असमर्थता आ रही है, तो लगातार चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को सुधारा जा सकता है, रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं जहां पर दृष्टि बाधित व्यक्ति का कार्य कर रहा है, यानी कि जिस जगह पर दृष्टि बाधित व्यक्ति अपना दिनचर्या का कार्य करता है, चाहे वो प्रशिक्षण ले रहा है या दे रहा है, शिक्षक कार्य कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, या दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कर रहा है, तो वहां पर रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं ऐसा वातावरण होना चाहिए कि व्यक्ति की गतिविधियां या कार्य क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति बच्चे हैं, छात्र हैं, इन बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट देना है जहां पर कोई भी उन पर निगेटिविटी ना पड़े या ना आए उनके अंदर, नकारात्मक कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि उनकी गतिविधियां या कार्य क्षमता उनकी प्रभावित होती हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं विशेष उत्सवों पर खतरनाक खेलों से बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार से दृष्टि को हानि ना पहुंचे। विशेष उत्सवों का बात करें, अगर हम दिवाली की बात करें तो पटाखे जो हम चलाते हैं तो पटाखों की दूरी इतनी होना चाहिए जो हमारे आंखों तक ना पहुंचे, उसकी गंध ना पहुंचे, उसका धुआं ना पहुंचे, और किसी कारणवश उस जो विस्फोटक जो होता है उसमें पदार्थ, वो दृष्टि को प्रभावित करता है। होली के समय ऐसे केमिकल के कलर्स आते हैं जो हम जब होली में कलर खेलते हैं एक दूसरे के लगाते हैं, तो उनका जो केमिकल होता है वो दृष्टि को प्रभावित करता है, तो उन सब से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं सूर्य ग्रहण देखते समय चश्मे का प्रयोग करें, ये इसलिए कहा जा रहा है सूर्य ग्रहण देखते समय, क्योंकि जो उसमें से रेडिएशन निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो हमारे आंखों की दृष्टि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हानिकारक वस्तुओं से आंखों का बचाव करना चाहिए, जैसे नुकीली चीजों से,
ठीक है, कटीली चीजों से, या हम कह सकते हैं कहीं भी आप जा रहे हैं तो ऐसी चीजें, इस चीजों से बचे जिससे क्या हो, आंखों को समस्या हो रही हो, ऐसे कपड़े से मुंह नहीं पोछना है, आंखें साफ नहीं करनी है गंदे कपड़े से, तो कुछ ऐसी खतरनाक चीजें होती है जिससे हमें अपने आंखों का बचाव करना है। व्यवस्थित वातावरण में शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान ब्रेल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि व्यवस्थित वातावरण में, जिस वातावरण में बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, अगर वो पूर्णता दृष्टि बाधित है तो उसके लिए क्या है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहे हैं वातावरण में छात्र अनुसार अनुकूलित सामग्री होनी चाहिए, यानी कि छात्रों की क्षमता आवश्यकता स्तर और अक्षमता और विकलांगता को देखते हुए उनकी जो सामग्री है, सहायक सामग्री भी कह सकते हैं और हम उसको अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री भी कह सकते हैं, तो छात्रों के अनुसार उनके स्तर क्षमता आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित या अडेप्टिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उपाय कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन या रोकथाम, उपाय भी हो जाएगा, हम यहाँ पर रोकथाम भी कर सकते हैं, रोकथाम, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रिवेंशन, प्रबंधन, प्रकार, ठीक है ना, और आपका मीनिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे बात करेंगे आपके ब्लाइंडनेस पर, ठीक है, या लो विजन पर, क्योंकि 3.2 में हमारा जो यूनिट है, हमारा 3.2 पेपर कोर्स फर्स्ट का, इसमें तीन चीजें पूछी हैं इस यूनिट से, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए दोस्तों। बाकी क्लासों में थोड़ा गैप हो रहा है, मेरी थोड़ी फिजिकली थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, और जब भी टाइम मिलता है आपको क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, कोशिश रहेगी कि लगातार क्लास करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।